क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2 का आज हम 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डायग्राम दिया है। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। बी ए को प्रोड्यूस किया गया है इस तरह से कि ए डी इक्वल टू ए बी हो जाए। तो आपको बी सी डी एंगल बी सी डी ये शो करना है कि राइट एंगल है 90 डिग्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 को मैं ब्रीफली लिख कर रखा है। गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और दूसरा ए डी इक्वल टू ए बी। हमको प्रूव करना है बी सी डी 90 डिग्री। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ए डी इक्वल टू ए बी जो हमको ये गिवन है, इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं। यहीं पर देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए बी, ए बी ए बी कॉमन है, तो इट मीन्स ए डी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर ए डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इन दोनों का ये रिजल्ट है ए डी इक्वल टू ए सी। तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे प्रूफ में। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। अब जो ये हमने डिस्कस किया ए बी कॉमन है, इसको यहाँ पर इंटरप्रेट करें। यहाँ ए बी कॉमन हो जाएगा, तो इट मीन्स ए डी इक्वल टू ए सी। ज्योमेट्रिकली भी आप देखें, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, देयर फोर दिस इक्वल टू दिस। तो देखिए ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, और ए डी इक्वल टू ए सी से क्या मिलेगा हमें, 4 इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करने से क्या होगा, 1 प्लस 4, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्लस राइट, 2 प्लस 3। अब यहाँ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, यहाँ टोटली हम ज्योमेट्री कर रहे थे, तो यहाँ कैसे क्रिएट करें, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करें। देखिए तो हम एक काम करते हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं 1 एंड 4, क्या नेम है, बी डी, एंड 2 प्लस 3 क्या है, देखिए बी सी डी। देखिए बोथ साइड्स हम बी सी डी को ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ हमने बी सी डी ऐड किया, तो यहाँ पर हो गया 2 बी सी डी। और ये देखिए बी डी एंड बी सी डी ट्राइंगल में, देखिए बी डी एंड बी सी डी क्या हो गया, 180 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया, 2 नीचे गया, तो बी सी डी 90 डिग्री।